नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनोज कुमार है। गौरव कंप्यूटर ज्ञान में आपका स्वागत है। माइक्रोसॉफ्ट एमएस वर्ड के अध्याय में आज हम लोग सीखेंगे। तो चलिए मैं माइक्रोसॉफ्ट को ओपन कर लेता हूं दोस्तों। चलिए मैं माइक्रोसॉफ्ट पर मैंने क्लिक किया, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर, और ब्लैंक डॉक में मैंने क्लिक किया। और हम लोग सीख कहाँ पर रहते दोस्तों, हम लोग सीख रहे थे इंसर्ट में। इंसर्ट में हम लोग सीख रहे थे फ्रॉम में। अब इसमें ले आते हैं कि पिक्चर, उसके बाद में आपको बताते हैं कि हम लोग सीख कहाँ पर रहे थे। तो चलिए एक पिक्चर को इंसर्ट कर लेते हैं, तब आपको पता चल जाएगा कि हम लोग कहाँ पर थे। मैं पिछली वीडियो में आपको यहाँ तक सब आपको मैं बता दिया था। आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले वीडियो का आप देखिए, ठीक है ना। यानी कि ये वीडियो आपको पूरा फॉर्मेट के मैंने कंप्लीट कर दिया था। आज हम लोग सीखेंगे सेव, ठीक है। तो चलिए, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ सेव पर मैंने क्लिक किया। सेव मतलब क्या होता है, कोई भी एक तरह से शेप से कोई भी एक डिज़ाइन बना सकते हैं। कोई भी अपने डॉक्यूमेंट में कुछ आप डिज़ाइन बना सकते हैं। तो शेप में सबसे शेप में देखिए रिसेंट, यहाँ पर जो भी शेप यूज कीजिएगा तो यहाँ पर वो आके रुक जाएगा, आ जाएगा। जो भी आप आजकल यूज किए होंगे तो यहाँ शेप में आपको यहाँ पर रिसेंटली यूज में शेप में आ जाएगा। इससे आप लाइन, इस तरह से लाइन का शेप ले सकते हैं। ये रेक्टेंगल का शेप है, रेक्टेंगल ले सकते हैं। बेसिक शेप है ये, ब्लॉक्स एरो है, इक्वेशन है, जैसे कि कुछ से क्वेश्चन बनाते हैं उसमें काम आएगा। फ्लो चार्ट है, स्टार एंड बैनर में आएगा, और ये सब क्लाउड वाला में आएगा। तो जैसे देखिए, जैसे आपको लाइन लेना है तो ये सब लाइन का शेप है, ठीक है ना। फिर हम लोग उसी में जाएंगे, रेक्टेंगल कोई कुछ शेप भी होता तो रेक्टेंगल ले सकते हैं। फिर हम लोग उसी में जाएंगे रेक्टेंगल, उसके बाद बेसिक ऐसा कोई शेप लेना है हार्ट वगैरह का तो उसी में जाएंगे। फिर हम इसी में जाएंगे, एरो ब्लॉक एरो कुछ लेना है, तीर और निशान लेना है तो इसी में हम लोग जाएंगे। और उसी में हम लोग जाते हैं इक्वेशन, कोई आपको क्वेश्चन वेश्चन का आपको बनाना है तो उसको आप गुना भाग इस तरह से ले सकते हैं। फ्लो चार्ट ऐसा तरह से आप कोई फ्लो चार्ट ऐसा ले सकते हैं। और चलते हैं स्टार, स्टार में भी आप बना सकते हैं जैसे सब बैनर वगैरह, और इसमें स्टार भी होगा था दोस्तों, इस तरह से स्टार भी ले सकते हैं। और उसमें स्टार फ्लो चार्ट ऐसा बादल वगैरह भी ले सकते हैं। अब इसमें हम कुछ डिजाइन करेंगे, जैसे इस पर क्लिक किए देखिए एक और फॉर्मेट का यहाँ पर टैब आपके पास खुलकर आ गया है। देखिए एक और फॉर्मेट का इसमें टैब आपको खुलकर आ गया है। इसको हम कंट्रोल जेड करते हैं, जैसे हम लोग क्लिक करेंगे, जैसे इंसर्ट में जाएंगे और जैसे कोई हम लोग एक सर्किल पर लेंगे वैसे यहाँ पर देखिए एक और यहाँ फॉर्मेट आपको खुल गया, इस शेप का फॉर्मेट है। तो सबसे फर्स्ट में हम लोग आए, जो भी हम लोग अभी यूज किए देखिए आपको यूजनी यहाँ पर आपको आ गया, ठीक है। इसमें से फिर आप कोई चाहते हैं तो आप इसमें से कोई भी और लेकर इंसर्ट कर सकते हैं। जो भी आपको इच्छा है आप यहाँ से इंसर्ट आप उसको कर सकते हैं, जो भी आपको मन है यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। कोई भी ऐसा चार्ट आपको मन है सेफ यहाँ से इंसर्ट कर लेते हैं, ठीक है। इसमें से बहुत सारे इसमें आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर आएंगे, अगर मुझे ऐसा शेप पसंद नहीं है तो यहाँ से आपको चेंज शेप में क्लिक करके फिर से आपको शेप को चेंज कर सकते हैं, यानी शेप को आप बदल सकते हैं। कोई भी आपको पसंद नहीं है तो यहाँ पर आपको क्लिक करेंगे, जैसे कोई स्टार पसंद नहीं तो इस क्लिक करेंगे तो ऐसा शेप फिर यहाँ से चेंज हो जाएगा यहाँ पर से। उसके बाद यहाँ पर एडिट शेप, इस शेप में क्या होता है, इस शेप को हमको अपना ढंग से अगर बनाना होगा, कुछ हमको अपना ढंग से चेंजिंग करना होगा तो आप चेंजिंग कर सकते हैं। इसे इस पर क्लिक करेंगे तो पॉइंट आ जाएगा। पॉइंट जब आ जाएगा तो यहाँ से आप चाहते हैं
यहाँ से इस तरह से इसको ऐसे हम लोग सेव कर दें तो ऐसे कर सकते हैं, ठीक है ना। आप चाहते हैं कि इस शेप को ऐसे करके खींच कर बड़ा कर दे तो बड़ा भी हो जा सकता है। आप चाहते हैं कि इसको भी बड़ा कर दे तो बड़ा हो जाएगा, और इसको चाहते हैं कि छोटा तो छोटा हो जाएगा। इस तरह से आप काम को यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर इससे ऐसे करके हैंडल आ जाएगा, तो आप इससे करके इस तरह से हैंडल को इस तरह से आप कुछ नया ढंग से शेप में बना सकते हैं, छेड़छाड़ कर सकते हैं। हम लोग वापस उसको ओरिजिनल शेप में कर देते हैं। आप कुछ अपना ढंग से शेप को इसको डिजाइन यहाँ से दे सकते हैं। चलिए भी शेप को समझ लिए, अब यहाँ पर आते हैं। देखिएगा, अगर हम मुझे कुछ लिखना होगा कोई, तो यहाँ पर क्लिक करके आप लिख भी सकते हैं। जैसे इसमें लिखना है तो हम इसमें क्लिक करके इसको लिख भी सकते हैं, ड्रा करके कैसे लिखेंगे। फिर अगर चलते इंसर्ट में, ठीक है, लिखेंगे कैसे मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर शेप में आएंगे, यहाँ पर शेप में आएंगे, और कोई भी जब शेप आप ड्रॉ कर लेते हैं तो यह फॉर्मेट वाला टैब आ जाता है, ठीक है। तो हम लोग कहाँ थे, यहाँ पर थे। तो यहाँ पर इसे क्लिक करके और यहाँ पर नीचे से करके कुछ टाइप करके आप इसमें लिख सकते हैं, कुछ टाइप करके। जैसे हम कुछ लिख रहे हैं, इस तरह से हम कुछ टाइप करके इसको लिखे, और जैसे हम लोग इसको लिखेंगे, जैसे हम लोग इसको लिख रहे हैं, तो यहाँ पर आप कुछ और डिजाइन दे सकते हैं। जैसे आप इसका यहाँ से ऐसे इसका फिल का कलर चेंज कर सकते हैं, और इसको मैं यहाँ पर इसे सेलेक्ट करके हम लोग होम बटन पा के इसको हम लोग बोल्ड कर सकते हैं। इसका हमको फ़ोन का कलर चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर जाके इसको और डिजाइन चेंज कर सकते हैं। बहुत कुछ कर सकते हैं, जो कि मैं आपको इसमें आपको पहले आपको टेक्स्ट में पिछले वीडियो में आपको बताया था कि टेक्स्ट पे ये सब शैडो इफेक्ट स्पेशल लगाएंगे, ये आपको मैंने बताया था। इस तरह से आप कोई भी चीज़ इसको आप चेंज कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो हम लोग इसमें थे, इसके इसमें हम कुछ भी डिजाइन आप बना सकते थे। इसको हम लोग रखते हैं नीचे। हम लोग जब यहाँ पर आते हैं शेप, यानी कि शेप ही है, शेप स्टाइल में यहाँ पर आ जाते हैं। शेप स्टाइल में आने के बाद सबसे पहले यहाँ पर कोई भी शेप का हम लोग डिज़ाइन इस तरह से कर सकते हैं। कर लेने के बाद इसमें भी चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, राइट क्लिक करके इसमें भी चाहते हैं तो आप जैसे ऐड टेक्स्ट करके इसके अंदर भी आप कुछ लिख सकते हैं। जैसे मैं इसमें कुछ लिख दिए, आप इसमें भी लिख सकते हैं, वाला से इसमें भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अभी हम इसी में हैं, तो यहाँ से क्या करेंगे, कोई भी शेप का हम लोग डिज़ाइन बदलेंगे, ठीक है, कोई भी शेप का इस तरह से, जो भी शेप पसंद है इस तरह से। और इसी के नीचे अगर आप आ जाते हैं तो यहाँ से इस तरह से भी कुछ शेप को आप ले सकते हैं। ऐसे छिप रहा है, इसको करते हैं डिलीट, यहाँ से आते हैं, यहाँ से पूरा यहाँ से ऊपर नीचे कर सकते हैं शेप को। यहाँ से पूरा शेप का एक तरह से फॉर्मेट है, यहाँ पर पूरा ओपन हो जाता है। और यहाँ पर से अदर थीम फाइल पर क्लिक करके इसमें से कोई और कुछ इसका, जैसे इस पर क्लिक किए, इस पर क्लिक किए हैं, और यहाँ से इसको और कुछ चेंजिंग वेंजिंग कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ये हो गया कंप्लीट। अब यहाँ पर आते हैं सेफ फील। फील मतलब क्या होता है, भरना। इसमें से कोई भी कलर आप ले सकते हैं, नहीं चाहे तो नो कलर लेंगे। उसको फील कलर में से आके यहाँ पहले भी आपको मैंने बता चुका हूँ कि फील कलर में आप कैसे कैसे आप यहाँ से कलर ले सकते हैं। जैसे अभी आप स्टैंडर्ड में इस तरह से कलर एक कलर ले सकते हैं, कस्टम में आकर दो तीन कलर आपको मिस करके आप ले सकते हैं। जैसे कि इसमें से कोई कलर मिस कर देते हैं, रेड ग्रीन ओके करेंगे तो देखिए इस टाइप का कलर आपको बन जाता है। उसका इसमें इसमें पिक्चर भी लगा सकते हैं, जहाँ पर क्लिक करेंगे पिक्चर फ्रॉम फाइल ऑनलाइन। तो फ्रॉम फाइल मतलब कंप्यूटर से होता है, कोई कंप्यूटर में कोई पिक्चर ले कर इसका आप लगा, देखिए पिक्चर इसमें लग गया। उसी के नीचे आप पिक्चर मुझे पसंद नहीं है तो हम कोई ग्रेडियंट लगाएंगे, कोई ग्रेडियंट यहाँ से लगाएंगे इस तरह से। ग्रेडियंट का मोर ग्रेडियंट के पास जब आएंगे तो देखिएगा यहाँ पर मोर ग्रेडियंट के पास आ गया, ठीक है ना।
तो हम लोग अभी इफिल के बारे में भी पिछली वीडियो में आपको बताया था। तो सॉल्यूट में आएंगे, तो सॉल्यूट में कोई यहाँ से कोई कलर ले लेंगे। ग्रेडिएंट में आएंगे, तो ग्रेडिएंट में आपको यहाँ से कोई ग्रेडिएंट ले सकते हैं। यहाँ से आप इस तरह से बीच में लाइट ले सकते हैं। यहाँ पर तीन चार कलर ले सकते हैं, जैसे मैं रेड अभी कर रहा हूँ, यहाँ पर क्लिक किया ब्लू, यहाँ पर क्लिक किया येलो। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। इस तरह से आप ग्रेडिएंट ले सकते हैं। यहाँ पर इसका ट्रांसपेरेंसी और यहाँ पर ब्राइटनेस कंट्रास्ट इस तरह से आप चेंज भी कर सकते हैं ग्रेडिएंट। आप पिक्चर पैटर्न में अभी आपको मैंने बताया, ठीक है। तो चलिए ग्रेडिएंट हो गया। आप टेक्सचर, यहाँ से कुछ टेक्सचर भी आप ले सकते हैं, ठीक है। टेक्सचर भी ले लिए। अब यहाँ पर आते हैं टेक्सचर के बाद। ये तो पूरा कंप्लीट मैंने कर दिया। और यहाँ पर शेप में अब शेप आउटलाइन, ठीक है। शेप आउटलाइन में क्या आता है, जैसे इसका आउटलाइन, दिल का जो आउटलाइन है, मैं आपको आउटलाइन के बारे में बताता हूँ, तब आपको समझ में आएगा। आउटलाइन यहाँ से इसको मैं बड़ा करता हूँ। देखिए यहाँ पर इसको कहते हैं आउटलाइन। तो आउटलाइन का कलर कौन सा लेना चाहते हैं उसको ले सकते हैं। आउटलाइन का नहीं चाहते हैं कलर तो नहीं लीजिए। फिर हम लोग मोर में आ जाते हैं। यहाँ से भी तीन कलर मिस करेंगे, इन सभी बताएं आपको। आउटलाइन का कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं, देखिए चेंज हो गया। और आउटलाइन में इस तरह से इसका बोल्ड, मोटा, पतला, यहाँ से भी आप इसको चेंज कर सकते हैं। आउटलाइन के बारे में इसका आ जाएगा यहाँ पर। आउटलाइन में क्या लेना चाहते हैं, ग्रेडिएंट में आउटलाइन लेना चाहते हैं। सॉलिड मतलब एक कलर होता है, पहले कलर को समझ लेते हैं। कोई एक कलर आप ले लिए। आउटलाइन का ट्रांसपेरेंसी कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। आउटलाइन की मोटाई बढ़ा सकते हैं। आउटलाइन में डबल लाइन कर सकते हैं। आउटलाइन में डॉट वाला लाइन कर सकते हैं। आउटलाइन में शेप कॉर्नर भी कर सकते हैं, राउंडेड वगैरह। ये तो राउंडेड नहीं थे, पता नहीं चल रहा है। यहाँ पर ग्रेडिएंट के पास आते हैं। आउटलाइन में अब ले लेते हैं सॉलिड वाला, तो तब अच्छा लगता है, ठीक है। ग्रेडिएंट के पास आते हैं। देखिएगा ग्रेडिएंट में आप आउटलाइन में इस तरह ग्रेडिएंट डाल सकते हैं, इस तरह से। आउटलाइन में भी तीन कलर को मिक्स कर देंगे। एक रेड करते हैं, एक ब्लू करते हैं और एक येलो करते हैं। देखिए तीन कलर आउटलाइन में हम लोग लगाएं। आउटलाइन के या आपको ट्रांसपेरेंसी कितना रखना चाहते हैं, ब्राइटनेस कंट्रास्ट कितना रखते हैं। आउटलाइन में भी डबल लाइन करना चाहते हैं। आउटलाइन में राउंडेड, इस तरह भी कॉर्नर राउंडेड रहता था, पता चलता आपको। इस तरह से आप इसको भी ले सकते हैं। भी मैंने बता दिया आउटलाइन का मोर इफेक्ट भी बता दिए, ये भी बता दिए। चलिए आउटलाइन आपको आप ऑप्शन ख़त्म होंगे। अब आते हैं शेप इफेक्ट। हम शेप इफेक्ट के बारे में भी पिछली वीडियो में आपको हम बताए थे, यहाँ पर भी बताते चलते हैं। प्रीसेट में यहाँ से यहाँ पर कोई भी शेप इस तरह से आप ले सकते हैं, इस तरह से जो भी पसंद, इस पर क्लिक कीजिएगा तो वहाँ पर ऑप्शन आपका आ जाएगा। शेडो या शेप को कुछ शेडो भी आप ले सकते हैं, इस तरह से। रिफ्लेक्शन में आप इस तरह से ले सकते हैं। ग्लो ले सकते हैं, इस पर क्लिक कीजिएगा तो उसका ग्लो आ जाएगा। और सॉफ्ट एज भी ले सकते हैं, ये देखिए। बेवल भी आप ले सकते हैं और उसका 3D, इस तरह से भी आप जिस पर क्लिक कीजिएगा वो आपको ऐसा शेप आपको बनकर रेडी हो जाएगा। शेप इफेक्ट। अब हम लोग चलते हैं, ये देखिए क्विक स्टाइल। ये आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। अब देखिए मानेंगे शेप इफेक्ट में सब कुछ कर रहे हैं, तो इसका एक यहाँ पे क्लिक किया। अगर ये पसंद नहीं है आपको, कुछ छेड़छाड़ करना चाहते हैं, तो सबका मैं पिछली वीडियो में बताया था, सबका यहाँ पर कुछ एक मोर इफेक्ट आता है। जैसे शेप इफेक्ट क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से इसको और हैंडल कर सकते हैं, इसका साइज और कम बेसी ज़्यादा जो भी करना चाहते हैं कर सकते हैं, सब यहाँ से मेंटेन कर सकते हैं, जो कि मैं हमेशा बताते ही रहता हूँ। सब में से प्रीसेट आएगा, आपका मन नहीं है तो यहाँ से इसको चेंजिंग भी कर सकते हैं। यहाँ से आप चेंजिंग भी कर कैसा शेप चाहते हैं सब ले सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको बताएंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आई होप मेरा वीडियो अच्छा लगा, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।